पशु के साथ हुई क्रूरता मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। पार्क में शव जलाने का मामला आया सामने, लोगों में दिखा डर का माहौल। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। झोपड़ी में अचानक लगी आग, आग लगने से चार पशुओं की मौत। तेज रफ्तार बाइक सवार ट्रैक्टर टाली से टकराया, अस्पताल ले जाते समय 26 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। कानपुर में शॉपिंग मॉल में लगी भीषण आग, दमकल विभाग ने भीषण आग पर पाया काबू। आग लगने से लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। खबर गाजीपुर से है। नेपाल में हुए विमान हादसे में गाजीपुर के चार नवयुवक अभिषेक कुशवाहा, विशाल शर्मा, सोनू और अनिल राजपर की दर्दनाक मौत हो गई थी। सभी के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अभिषेक जनसेवा केंद्र चलाते थे और अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। उनके पिता और महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। जो बहुत ही दुखद घटना घटी है, हम लोग कहीं ना कहीं शोक में डूबे हैं। पूरा परिवार, पूरा गांव डूबा है। बहुत कष्ट की बात है कि आज हमारे बीच भाई नहीं है। हम लोग चाहेंगे कि शासन प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, अब तो जो होना है हो ही गया, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि अधिक से अधिक मदद करें। और भरसक फूल प्रयास हम लोगों का है कि जो शव है विमान हादसे में, जो शव है हमारे भाइयों का, वापस गांव में चला है और परिवार को कुछ आर्थिक मदद मिले। अपना नाम बता दें। मेरा नाम चंद्रमा मौर्य, मेरे लड़के का नाम अभिषेक कुशवाहा और ये लड़का जन सेवक केंद्र खोलकर चला रहा था, जो परिवार का एक परिवार के लिए सोच रहा था कि मैं कुछ करूंगा और ये दुर्घटना दुखद है, इसके लिए सरकार की उचित से उचित कार्रवाई के अनुसार। मैम, नेपाल में विमान क्रैश का मामला रहा है जो पोखरा से लैंड करने से पहले ही क्रैश हो गया, उसमें गाजीपुर के लोग बता जाना क्या डिटेल है उनका। जी हाँ, बहुत दुखद घटना है जो प्लेन क्रैश हुआ है काठमांडू से पोखरा जाने के समय। उसमें हमारे जनपद के चार नवयुवक थे। इनका नाम है अभिषेक कुशवाहा, ग्राम धरवा, तहसील कासमाबाद, सोनू जायसवाल, ग्राम चक जैनब, तहसील कासमाबाद, विशाल शर्मा, ग्राम अलावलपुर, तहसील कासमाबाद, और अनिल कुमार राजभर, ग्राम चक जैनक, तहसील कासमाबाद। ये चारों आपस में दोस्त थे और एक ग्रुप बना करके वहां घूमने गए थे। खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पवन मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे। पवन, देखा जाए कल नेपाल के विमान हादसे में गाजीपुर के चार युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। जी नंदनी, हम आपको बता दें कि नेपाल में हुए विमान हादसे में गाजीपुर के चार युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। कासमाबाद तहसील के बरेसर थाना क्षेत्र के रहने वाले ये चारों दोस्त के कहीं क्षेत्र के निवासी थे। हादसे की खबर क्षेत्र में आते ही सन्नाटा छा गया। 28 वर्षीय सोनू जायसवाल निवासी अलावलपुर, 23 वर्षीय विशाल शर्मा निवासी अलावलपुर, अनिल राजभर अलावलपुर और वहीं अभिषेक कुशवाहा भी अलावलपुर के ही रहने वाले थे। सभी चारों मृतक गहरे दोस्त थे और 13 जनवरी को नेपाल घूमने गए थे। जब विमान हादसा हुआ, इनमें से एक युवक सोनू फेसबुक लाइव भी कर रहा था, जिसकी पुष्टि उसके स्थानीय मित्रों और अन्य लोगों ने भी की है। आज इन सभी के घरों पर मातम फैला हुआ है। वहीं इस मामले पर हम आपको एक और अपडेट कहना चाहेंगे कि डीएम आरका खोरी ने संवेदना जताते हुए बताया कि ये सभी गाजीपुर के कासिमाबाद तहसील के विभिन्न क्षेत्रों के रहने वाले थे और नेपाल घूमने गए थे, पर ये हादसा हो गया। इस दुख की घड़ी में प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद करेगा।
पवन, शव को लाने के लिए क्या कुछ प्रक्रिया की जा रही है? जी, हम आपको बता दें कि आज मृतक के घरों पर एक नई अपडेट निकल के आ रही है कि काशिमाबाद तहसील क्षेत्र में नेपाल प्लेन हादसे में मृतक परिजनों ने आज सुबह अलावापुर चौराहे पर सड़क किनारे सुबह 8 बजे से धरना पर बैठे हैं। परिजनों की मांग है कि सभी परिजनों का शव मुहैया कराया जाए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा मृतक परिजनों को मुआवजा दिलाया जाए। जनपद के चारों मृतक परिजनों से अब तक जिला अधिकारी ने मुलाकात भी नहीं की है, न ही अब तक शासन के द्वारा कोई भी आश्वासन मिला है, जिससे परिजनों समेत सैकड़ों ग्रामीण सड़क के किनारे बैठे हुए हैं। लोगों का यही कहना है कि जब तक जिलाधिकारी द्वारा परिजनों को मुआवजा का आश्वासन नहीं मिलता है, तब तक सभी परिजन सहित ग्रामीण पर धरने पर बैठे रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन। लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में बने पार्क में शव जलाने का मामला सामने आया है, जिसमें निवासियों में डर का माहौल बन गया है। जानकारी के मुताबिक जानकीपुरम सेक्टर जे आश्रयहीन कॉलोनी के सामने बने पार्क में शव जलाया जाता है। बता दें, घनी आबादी होने के बावजूद पहाड़पुर गांव के निवासी इस पार्क में शव जलाते हैं। निवासियों का साफ तौर पर कहना है, क्या इस पार्क में लावारिस लाशों को भी जलाया जाता है? प्राइम टीवी से बात करते हुए जानकीपुरम सेक्टर जे के निवासियों ने अपना दर्द बयां किया और बताया कि उन्हें कहीं न्याय नहीं मिला तो सेक्टर जे के निवासियों ने लखनऊ जन कल्याण महासमिति के उपाध्यक्ष समाज सेवी विवेक शर्मा से गुहार लगाई है। सर, अभी हम लोग जो है ना यहाँ पे PIL भी दाखिल किए हैं और उसके बाद अभी लेटेस्ट अभी 15 दिन के अंदर 4 डेड बॉडियाँ जली हैं और एक जस्ट मेरे पीछे एक बच्चे की डेड बॉडी गाड़ी गई थी, उसके बाद कुत्ते ने भी नोच के खाई है। और यहाँ धुआं इतना आ जाता है जिसकी वजह से घर में खाना भी नहीं बन पाता है और बहुत ज़्यादा समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की आपने? लखनऊ विकास प्राधिकरण में की है, नगर निगम में भी की है और आपके मुख्यमंत्री के यहाँ भी की है, पोर्टल पे भी की है और मैं खुद मुख्यमंत्री को 8 बार लेटर दे के आया हूँ, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या कहा जा रहा है उसकी इस कार्रवाई के लिए? क्या कहा जा रहा है? बस आश्वासन दे देते हैं कि हो जाएगा। कितने साल से समस्या बनी हुई सर? समस्या क्या समस्या है आप लोगों को यहाँ पे? हम लोग की समस्या भाई साहब ये है कि यहाँ पर लेके आते हैं मुर्दा, जलाते हैं, सब तरफ धुआं उड़ता है, सब लोग घर के अंदर कैद हो जाते हैं, ना बच्चे निकलते हैं, डर के मारे दहशत का माहौल हो जाता है। कितने दिनों से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं? हमको करीब 11-12 साल हो गए। किससे आपने यहाँ पर जमीन जो मकान खरीदा था, किनसे खरीदा था मकान? लखनऊ विकास LDA से मकान आपने लिया था? तो LDA ने क्या कहा था? ये पार्क बना के दिया था? ये पार्क का हम लोग को बता के दिया गया था, हम लोग को गलत सूचना दे करके यहाँ पर मकान दिए गए थे। मजबूरी है कि हम लोग रह रहे हैं, हम लोग 3-3 मंजिल बनवा के और उससे कोई इनकम नहीं पाते हैं, न कुछ कर पाते हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं सर, इसकी कोई ना कोई LDA कुछ नहीं कर रहा है सर, खाली हम लोगों को धोखा दे रहा है। अभी बार बार जाते हैं, हम लोग LDA में अभी प्रदर्शन करने गए थे। क्या कहा LDA ने? क्या कहा आपसे LDA? LDA वही बात कहता है, बार बार कहता है कि जमीन खोजी जा रही है, जमीन चिन्हित की जा रही है, हो जाएगा तो आपको बता सूचना दे दी जाएगी, और कुछ नहीं कहता। इसके अलावा वो न खोजता है न कहता है, हम लोगों को बस बुला, हम लोग जाते हैं वहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं, चले आते हैं, आश्वासन मिल जाता है सर, और कुछ नहीं होता है। क्या मामला है, कौन सा एरिया है, किस वजह से यहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? ये एरिया सेक्टर जे जानकीपुरम का लगता है, जो वर्ष 2002 में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित किया गया, और आवंटन के समय जो ब्रोशर LDA का है उसमें ये भी कहीं नहीं लिखा है कि जहाँ जैसी भूमि है वहाँ के आधार पर आवंटन किया जाएगा। यदि यह पहले ही से हम लोगों को पता रहता कि हम लोगों को मुर्दा घाट के पास या शमशान स्थित पार्क के अंदर शमशान स्थित के जगह आवंटन होता तो हम लोग कहीं से भी आवंटन के लिए प्रति जी। क्या समस्याएं हैं यहाँ पर, किस तरह की समस्या उत्पन्न? समस्याएं ये हैं कि जब से हम लोग यहाँ पे आवंटित आए हुए हैं, मुर्दा हमेशा जलाए जाते हैं, महीने में 4-5 मुर्दे जला देते हैं और ये कहाँ से आते हैं पता नहीं लगता है, और धुआं होता है, तमाम तरीके के प्रदूषण होते हैं, और 3-4 दिन हम लोगों के यहाँ खाना पीना बंद हो जाता है किसी प्रकार के उसमें। और हम एक विवेक सर हैं, विवेक शर्मा जी हैं, समाज सेवी हैं, जिसकी सहायता मैं बराबर ले रहा हूँ, अब वो मैदान में उतरे हुए हैं और उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया है, वो बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं समाज सेवा के, और हमें अब विश्वास है कि हमारा काम।
रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में एक घर के छप्पर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। घर के लोगों ने जैसे तैसे घर से निकलकर अपनी जान बचाई, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि घर में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया। इस दौरान आग की चपेट में आने से एक मवेशी झुलस गई, जिसे इलाज के लिए पशु चिकित्सा अस्पताल भिजवाया गया। वहीं आसपास के लोगों और फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल पुलिस आसपास के लोगों से मामले में पूछताछ कर मामले की जांच में जुट गई है। ना ये पीछे से लगी ही कहाँ थे हम तो रहने। अच्छा, तो क्या क्या नुकसान हुआ है? सब चीज में तो आटा पैसा पूरा चल गया। हाँ, वो पैसा रहा 35,000 रुपया तब चल गया। अच्छा, वो कपड़ा तब चल गया पूरे भावक रहे ऑनलाइन क्या काम करा सब बढ़ गई। अच्छा, आज तीन बोई रही। हाँ, और आपके सामने मतलब गृहस्थी पूरी जल के राख गई, बर्तन भरवा तब है कि बल्टे चलते सब पे। संभल के गुन्नौर तहसील क्षेत्र में बीती रात एक झोपड़ी में अचानक आग लग गई। आग लगने से चार पशुओं की झुलस कर मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन पशु गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घायल पशुओं का उपचार किया। वहीं पीड़ित ने पुरानी रंजिश के चलते अज्ञात लोगों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने का आरोप लगाया है। सर, क्या नाम है आपका? भगवान सिंह। अच्छा, जो आग लगी है और जो आपके पशु झुलसे हैं, तो कैसे आग लगी, क्या जानकारी? जी हमें पेट्रोल छिड़की गई है, फिर आग लगाई पेट्रोल, फिर भैंसों में आग जली। पहले हाथ भैंस में आग जल गए, तब फिर छप्पर पकड़ा ऊपर, फिर तो सिगरे में लग गई आग। कितने पशु झुलसे हैं आपके? पशु जाम है 8, तो 4 जर गए और 3 गैर गंभीर है। खत्म कितने हुए हैं? 4 मर गए। 4 की मौके पर मौत हो गई। अच्छा, आग किसने पेट्रोल डाला था? पेट्रोल ना मालूम किसने डाला था, मौके पर है ना हम खेत में। गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र में एक युवक को उसके दोस्त ने पीछे से गोली मार दी, जिसके बाद इलाके में सनसनी मच गई। आपको बता दें कि दोनों युवक आसपास में ही रहते हैं और मजदूरी का काम करते थे। वहीं घटना की सूचना मिलने की मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है और कई टीमों का गठन कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। क्या नाम है आपका? यूसुफ। यूसुफ जी, आज क्या हुआ है, क्या घटना हुई है? भाजी सुबह यहाँ से घर से बिरयानी खाने के लिए निकला था। अच्छा, बस गली में वहाँ कोई या तो बैठा था इसकी ताक में, वहाँ गोली मारने के लिए। अच्छा, एक छोटा बच्चा और उसके पीछे पीछे था, छोटा बच्चा तो भगया, इसका वहाँ गोली मार दी। अच्छा, जिसकी गोली लगी उससे क्या लगते हैं आप? मामा। अच्छा अच्छा, तो आपने इस संबंध में अभी कोई तहरीर वगैरह दी? नहीं जी, अभी कुछ नहीं, पर गाजियाबाद से होगा, अब जा रहे हैं वक्कू, अब इसकी तहरीर देख आऊंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या नाम है जी आपका? साहिर। साहिर जी, आज सुबह क्या हुआ है, क्या घटना हुई है? आज सुबह ये हुआ जी, लड़का गया था खड़ंजे पे, इधर घूमने के लिए गया, पता नहीं कुछ सामान लेने गया, अब वहीं खड़ा हुआ जाकर उसके पीछे से उसने गोली मार दी। अच्छा, पीछे से गोली मारी उसके। लड़का क्या नाम है आपके लड़के का? शमशाद। अच्छा, क्या काम करता है वो? मजदूरी करता है। उसकी किसी से दुश्मनी थी कुछ? दुश्मनी तो कोई पता नहीं जी हमें। जिसने गोली मारी आप उसे जानते हो? हाँ जानते हैं जी। क्या नाम है उसका? शौकीन। अच्छा, और वो अकेला ही था या और भी कुछ लोग थे उसके साथ? आज सुबह 9:30 बजे मुरादनगर पुलिस ने एक युवक को गोली मारने की सूचना मिली। घटना चामुंडा चौकी क्षेत्र की थी। पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायल को अस्पताल में शिफ्ट कराया गया। घायल की कंडीशन अभी स्टेबल है। उसने बताया कि एक युवक जो उसका दोस्त ही है, उसका नाम शौकीन है, उसी ने गोली चलाई थी और पुलिस ने टीमों का गठन कर लिया है और शौकीन को पकड़ने के लिए रवाना कर दी गई है। आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। नेपाल हादसे के करीब 24 घंटे बाद भी जिला प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई न होने पर स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में लोग प्रोटेस्ट करने लगे। इनकी मांग है कि मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए, साथ ही शव को लाने के लिए नेपाल जाने की व्यवस्था की जाए। वहीं प्रोटेस्ट की सूचना मिलते ही SDM और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। वहीं SDM ने बताया कि आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन की तरफ से अभी दूतावास नेपाल से वार्ता हुई है DM मैम की, तो वहाँ से अभी DNA मैचिंग के लिए उनके परिवार के लोगों को बुलाया गया है
तो यहाँ से लोगों को भेजा जा रहा है, प्रशासन की तरफ से गाड़ी वगैरह मुहैया कराई गई, उनको यहाँ भेजा जाएगा। जैसे ही वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, आगे जो है डीएम मैम और भारत सरकार से जैसे वार्ता होगी कार्रवाई की जाएगी। देखा जा रहा है कि यहाँ पर लोग जो है प्रदर्शन भी कर रहे हैं? नहीं, किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है। हम लोग यहीं पे लगातार सीओ साहब के साथ हैं, बने हुए हैं ये लोगों को भेजने के लिए। थोड़ा सा अपना परिचय दें। मैं अनिल यादव हूँ, रामसभा धर्मा का ग्राम प्रधान हूँ। और प्रधान जी, अभी देखा गया है कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे आपके, क्या है पूरा मामला, क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा है, धरना मान दिया जा रहा था? मामला ये है कि कल अब लगभग 24 घंटे हो गए इस घटना को, जो नेपाल में विमान हादसा हुआ था उसमें 5 भारतीयों को दिखाया जा रहा था, जिसमें 4 भारतीय और 4 हमारी ग्राम सभा और हमारे पड़ोसी गांव से हैं। लेकिन तब तक 24 घंटे हो गए, अब तक कोई शासन प्रशासन से स्थायी हम लोग को ये नहीं मिला था कि आप जाएंगे तो वहाँ डेड बॉडी कैसे आएगी, आपको कोई मतलब आर्थिक मदद चाहे मुआवजा चाहे सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं हो रही थी, ना ही सरकार की तरफ से शासन प्रशासन कोई मदद। देवरिया के मऊवाड़ी थाना क्षेत्र के सिमराहा गांव में दबंगों ने जमकर मारपीट की है। मारपीट में एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। बता दें मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक दबंगों ने खूंटे में बंधी गाय को भी आग से जलाया, जलने से गाय की हालत गंभीर हो गई। वहीं पीड़ित ने पुलिस पर तहरीर बदलने का आरोप लगाया है। पाकर लड़ाई करते हैं हमारे से, बार बार पकड़ करते हैं, हम अभी फोन करके बुला कर दिखा देंगे। दिखा दिए सब, थाने पे गए थे, कोई सुनवाई नहीं। हमारा कागज लोग रख लिए, दूसरा कागज लगा दिए सब, कह रहे कि रुकिए मैं अभी साथ में भेजेंगे आपका, रिपोर्ट देंगे, रिपोर्ट नहीं दिए सब। उन्होंने कहा कि मतलब अभी साथ में भेजेंगे, अभी साथ में भेजेंगे, और दूसरी पार्टी अकेले निकाल दिए हमको बाद में दिए। हाँ, महुआ डी से मरा है छोटे लाल, हमारा गाय एक जली। पहले हम लोग से झगड़ा हुआ गोरख जवान से, उसके बाद से बाहरी लोग से बुलाकर कुआ के लड़के को अपने बढ़िया से आए थे वो लोग, हम लोग को मार कर, मेरे को चाकू से मार दिए थे, उनको कपार पे मार दिए, एक और आदमी उनको उनके मुंह पे मार दिए हैं। और किस लिए झगड़ा हुआ था? दारू पी कर आया था सब लोग को। क्या नाम है, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा अमर कुमार चौहान नाम है। कहाँ का रहने वाला? चिवराहा खास में। हाँ, कब की घटना है ये? कल का, 12 तारीख को है, 4:30 बजे लमसम। कौन तोड़ा है? अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।